हाय दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कांस्टेबल भर्ती राजस्थान पुलिस के बारे में फॉर्म भरने से संबंधित कुछ दिशा निर्देशों के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज़ इसे ध्यान से सुने। कांस्टेबल भर्ती के जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो आज से शुरू हो गए हैं। कांस्टेबल के 5390 पदों की भर्ती के लिए सोमवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। एक से ज़्यादा आवेदन पर पहला आवेदन मान्य होगा। दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि पिछले साल तक जब 2013 में वैकेंसी निकली थी, तब 33 जिलों से फॉर्म भर सकते थे, हर बटालियन से लगा सकते थे, तो एग्ज़ाम होने तक जो एग्ज़ाम की डेट आती थी तो हम अपनी इच्छा के अनुसार एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन अब की बार क्या होगा कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा। अगर आप एक से ज़्यादा भरते हो तो जो पहला फॉर्म होगा वही मान्य होगा और जो दूसरे फॉर्म होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। आवेदन 21 नवंबर तक होंगे। अभ्यर्थी के पास 3 जिलों का विकल्प होगा, यानी अभ्यर्थी 3 जिलों के अंदर सेंटर मांग सकता है अपना। पहले जिस जिले से भरता था उसी जिले में सेंटर आता था, लेकिन अब की बार 3 में आ जाएगा। हर सेंटर पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे और PHQ में वीडियो वॉल बनाई जाएगी। सीसीटीवी कैमरों को वीडियो वॉल से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे परीक्षा सेंटर से PHQ में अफसर लाइव स्थिति देख सकेंगे। दिसंबर में हो सकती है परीक्षा। ADG हेडक्वार्टर जंगा श्रीनिवासन राव ने बताया कि परीक्षा दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगी। लिखित 75 नंबर की होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। 15 नंबरों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। 10 नंबर NCC व होमगार्ड सर्टिफिकेट के होंगे, मेरिट जिला स्तर पर बनेगी। हर दिन 3 पारियों में ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें हर अभ्यर्थी को अलग पेपर मिलेगा। इसके लिए प्रश्नों का डाटा बैंक है वो तैयार कर लिया गया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।